वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। टॉरस, ये आपकी बोनस रीडिंग है और हम ये सीरीज़ वापस से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम मिड मंथ में आपके लिए बोनस रीडिंग्स करेंगे। मेरा इंटेंशन ये है कि ये रीडिंग आपकी नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए है, मतलब जनवरी भी और फॉर श्योर फरवरी के लिए भी है। तो 2 महीने का मैंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है इस रीडिंग के लिए। और जैसे हम जनरल रीडिंग्स करते हैं, पहले प्रेडिक्शन देखते हैं और उसके बाद में गाइडेंस देखते हैं, वैसे ही हम इस रीडिंग को करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं और मैं हर रीडिंग में आपको बोलती हूँ कि ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। और आपकी बहुत सारी रीडिंग्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आपकी जनवरी की जनरल रीडिंग, आपकी जनवरी की गाइडेंस की रीडिंग, आपकी जनवरी की लव रीडिंग, यू वर्सेस देम रीडिंग, ईयरली प्रिडिक्शंस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ओके टॉरस, तो सबसे पहले लर्निंग की एनर्जी है और आई थिंक लर्निंग की एनर्जी काफ़ी टाइम से आपके लिए आ रही है। आई डोंट नो, ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा आने लग गया है आजकल। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, किसी नई फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, किसी नई चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की एनर्जी होती है, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, किसी नई चीज़ में इंटरेस्ट लेने की, ये सारी एनर्जीज आपकी दिख रही है टॉरस। एट द सेम टाइम यहाँ पे नाइन ऑफ वांस भी है। नाइन ऑफ वांस आपका किसी काम के लिए बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन बता रहा है टॉरस, कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में या फिर मोटिवेशन के साथ में आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं या फिर कुछ आप काम कर रहे हैं और आपने एकदम ठान लिया है कुछ करने के लिए, तो आप बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड अपनी लाइफ में दिख रहे हैं अगले 2 महीने में, जहाँ पे आपने ये डिसाइड किया है कि इस बार तो मुझे गिव अप नहीं करना है, इस बार तो मुझे सक्सेसफुल होना ही है, इस बार मैं पूरे तरीके से फोकस्ड रहूँगी या डिसिप्लिन रहूँगी और किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। बिकॉज़ यहाँ पे ये नाइट ऑफ वांड्स है, ये नाइट ऑफ वांड्स आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे ड्रैगन बैठा हुआ है, तो आपको पता है कि ये रास्ता इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है या फिर इस रास्ते पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट आप पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं कुछ करने के लिए लाइफ में। तो हाईली फोकस्ड आप दिख रहे हैं और हाईली चार्ज्ड अब दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फायर आपके अंदर दिख रहा है। वैसे आपकी एनर्जी अर्थ एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बट अभी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा फायर दिख रहा है और फायर मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है, पैशन होता है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर दिख रही है। उसके बाद ये आ गए आप अपनी स्थिर एनर्जी में, अर्थ एनर्जी में, आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं लाइफ में, आप बेटर फील कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड आ रहा है, पीस ऑफ माइंड आपका अच्छा रह रहा है। एट द सेम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी स्टेबल एनर्जी होती है, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी स्टेबल एनर्जी होती है और ये बता रही है कि लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है आपके, या फिर आप स्टेबल फील कर रहे हैं अगले 2 महीने में, तो आप स्टेबल फील करेंगे, लाइफ इज़ गुड, पैसे आ रहे हैं जितने चाहिए, या फिर रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी है, फैमिली में स्टेबिलिटी है, तो आप अपनी जगह पे, यू नो योर प्लेस, आप अपनी जगह पे स्थिरता से बैठे हुए हैं और सेटिस्फैक्शन के साथ बैठे हुए हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि अपनी लाइफ के आप ऐसे एरा में हैं टॉरस, जहाँ पे आप अगर अपने करियर में एफर्ट लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप करियर में ग्रो कर सकते हैं या फिर आपको अबंडेंस मिल सकती है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पैसे की, करियर की, अबंडेंस की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, ये सारी एनर्जीज होती हैं। तो इन सब एनर्जीज़ में आप स्टैंड तो कर ही रहे हैं अगले 2 महीने में, बट एट द सेम टाइम अगर आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रही है, इसका मतलब ये भी है कि आप के लिए बहुत ही अच्छा चांस है ये कि आप अपना फोकस करियर पे लगाएं तो करियर आपका ग्रो कर सकता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून
डेस्टिनी में कुछ चेंजेस आना बताता है और पॉजिटिव चेंजेस आना बताता है। अगर मैं टिपिकल मीनिंग इस कार्ड का बताऊं तो यू नो चेंज ऑफ डेस्टिनी है या फिर भाग्य परिवर्तन है, जैसे यू नो डेस्टिनी की व्हील घूम रही है और पॉजिटिव साइड में घूम रही है और लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है जो कि आपकी डेस्टिनी आपको दे रही है, यू नो आपकी किस्मत आपको दे रही है। तो कमिंग एक दो महीने में कुछ बहुत ही अच्छे चेंजेस या फिर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती है, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, यू नो आपकी लाइफ टर्न ले रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का आना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, कुछ चीज़ पूरे तरीके से परिवर्तित हो रही है और पॉजिटिव साइड में हो रही है यू नो। तो अचानक से आपकी डेस्टिनी आपके सामने कुछ बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ लेके आ सकती है। एट द सेम टाइम यहाँ पे एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है और एट ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि लाइफ में बहुत ही जल्दी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी अचानक से लाइफ में होने वाले चेंजेस बताती है, मतलब कि अगले एक दो महीने में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद से अपना करियर चेंज करें, अपनी जॉब चेंज करें, अपना शहर चेंज करें या फिर अपना घर चेंज करें, यू नो कुछ चेंजेस यहाँ पे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ सडन चेंजेस, अचानक से आपका जैसे अचानक से ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाना, यू नो अचानक से प्रमोशन मिल जाना, अचानक से कहीं पे सिलेक्शन हो जाना, तो ये अचानक से जो चेंजेस आते हैं उसकी एनर्जी है एट ऑफ वांड्स की। और यहाँ पे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी हमने देखा है टॉरस, तो अगले दो महीने आपके पॉजिटिव चेंजेस के लाइफ में होंगे और डेस्टिनी कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आएगी उसके होंगे। एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा लाइफ में अकेलापन हो सकता है कि महसूस करें, थोड़ा सा सॉलिट्यूड महसूस करें। अब अकेलापन महसूस करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए एनवायरमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग रहा है यू नो उस अपने आसपास के लोगों के साथ में मिंगल होना या फिर कंफर्टेबल होना। तो लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन में भी डाल सकती है जहाँ पे आप थोड़ा सा अकेला फील करें, बट ये बहुत ही टेम्परेरी सिचुएशन है तो इससे घबराइएगा मत। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से कुछ महीनों से आइसोलेशन में हो थोड़े से या सॉलिट्यूड में हो, या फिर हो सकता है कि अगले एक दो महीने में आप ऐसी यू नो अनकंफर्टेबल यू नो ऐसा नहीं होता कि हम किसी नए कॉलेज में, हमने कोई कॉलेज ज्वाइन किया है और स्टार्टिंग के इनिशियल डेज हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, सब लोग नए हैं, हम थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, तो ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है कि और लाइफ आपको थोड़ा सा डिसकम्फर्ट में भी डाल सकती है यू नो कि आपको लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने पहले कभी नहीं किया है। जैसे आप कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठे हैं और अचानक से फॉर सम रीजंस आपको सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है और आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए, तो ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी नर्वसनेस हो या फिर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, एंड दैट्स टोटली फाइन, ऐसा होता है और आई एम श्योर आप इससे नेविगेट कर लेंगे। अगर आप लाइफ में अकेले हैं, आपको अकेलापन फील हो रहा है टॉरस, तो प्लीज़ उस अकेलेपन को सॉलिट्यूड में बदलें, उस अकेलेपन के टाइम को यूज़ करें अपनी लाइफ को बनाने में या फिर अपने आप को बनाने में, जो कि मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ। तो आइसोलेटेड फील नहीं करना है, सॉलिट्यूड फील करना है, ये दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है जो हमने बहुत सारी रीडिंग्स में देखे हैं। अकेलेपन से मैं आपको बहुत बार शायद बता भी चुकी होंगी, आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं, कि अकेलेपन से हमेशा दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता पॉजिटिव होता है और दूसरा रास्ता नेगेटिव होता है। अकेलेपन में कई बार हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि मैं अकेली हो गई हूँ, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो कई बार हम लोग गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं जहाँ पे हम एडिक्शंस में चले जाते हैं या फिर नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं या फिर सैडनेस में चले जाते हैं। बट अकेलेपन से एक पॉजिटिव रास्ता भी निकलता है, वो पॉजिटिव रास्ता होता है कि आपको एक टाइम मिलता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, खुद के पर्पस को एक्सप्लोर कर सके, अपने गोल्स पे आप फोकस कर सके, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पे फोकस कर सके, आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर सके, आप डिवाइन से कनेक्शन बना सकें। तो अगर आप अकेलेपन में भी रहते हैं तो आपको चूज करना है कि आप सॉलिट्यूड में रह रहे हैं या फिर आइसोलेशन में रह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है जो कि हमें नाइन ऑफ सॉर्ट से भी पता चल रही है। और क्योंकि यहाँ पे चैरियट आया तो चैरियट आपके लिए ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये आपका टाइम अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा,
अगर आप थोड़े से अकेलेपन में भी हैं या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी हैं, तो ये बहुत समय तक अनकंफर्टेबल नहीं रहने वाला है, बिकॉज चैरियट आपका पॉजिटिव मूवमेंट, इस जगह से निकलने का मूवमेंट बता रहा है कि यही आइसोलेशन या यही डिसकंफर्ट, ये सिर्फ आइसोलेशन नहीं है, ये डिसकंफर्ट भी है टॉरस, याद रखिएगा। डिसकंफर्ट कुछ नई हैबिट को लाने का, डिसकंफर्ट किसी नई जगह पे एडजस्ट होने का, ऐसा कुछ डिसकंफर्ट भी हो सकता है, बट यही डिसकंफर्ट आपको लाइफ में ग्रो भी करवा रहा है, यू नो, आगे भी लेके जा रहा है, तो चीज़ें आपके फेवर में भी में ही हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है। थ्री ऑफ कप्स बहुत ही क्लासिक कार्ड है जो आपके लिए आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब थ्री ऑफ कप्स आता है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स आपके छोटे बड़े अच्छे मूवमेंट्स बताता है, जो आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हैं, आप हैंग आउट कर रहे हैं, आप चिल कर रहे हैं, यू नो, लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं। तो लाइफ आपको सब तरीके के टेस्ट दे रही है अगले 2 महीने में, बट मोस्टली पार्ट आपका पॉजिटिव है यहाँ पे। थ्री ऑफ कप्स है मतलब कि फॉर श्योर अच्छा टाइम दिख रहा है, और सेलिब्रेशन का टाइम भी है, और यू नो, पर्सनल, बहुत ही अच्छा पर्सनल कुछ टाइम आप बिताते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद द फूल की एनर्जी है। द फूल की एनर्जी लीप ऑफ फेथ लेके किसी नए रास्ते पे चलने की, या फिर किसी न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है। तो फॉर श्योर कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही है। द फूल 0 नंबर का कार्ड होता है, और यहाँ से टैरो कार्ड्स की जर्नी शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं, लाइफ में न्यूनेस आ रही है, और इस न्यूनेस को लेके आप पॉजिटिव भी यहाँ पे फील करते हुए दिख रहे हैं, एक्साइटेड फील करते हुए दिख रहे हैं। तो कोई लाइफ में चीज़ है जो होगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी, यू नो, कुछ सरप्राइज करने वाली है आपको, तो यहाँ पे आप बहुत ही एक्साइटेड और इलेटेड फील करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास द हायरोफेंट है। द हायरोफेंट आपकी लाइफ में किसी टीचर की प्रेजेंस बता रहा है। द हायरोफेंट आपकी लाइफ में किसी मेंटोर की प्रेजेंस बता रहा है, किसी गुरु की प्रेजेंस है, या फिर किसी डिवाइन एनर्जी की प्रेजेंस है। मतलब कि आप ऐसे टाइम पे, आप ऐसे फेज में लाइफ के स्टैंड करें जहाँ पे आपके आपको कोई कॉन्स्टेंटली गाइड करेगा, या फिर बहुत ही ऑब्वियस चीज़ यही है कि आपको कोई गुरु या टीचर मिलेगा, जो या तो प्रोफेशनली आपको गाइड करेगा कि सच में कोई आपका टीचर है जो आपको कोर्स के आपके कैरिकुलम्स में हेल्प कर रहा है, या फिर एक्चुअली कोई पर्सन हो सकता है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ को हैंडल करने के लिए, लाइफ में कैसे नेविगेट करना है, उन सब चीज़ों में आपको हेल्प कर रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सो कॉल्ड मेंटोर, टीचर या गुरु हो। देयर इज़ अ हाई चांस कि आप किसी को फॉलो करें शायद से ऑनलाइन, और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, वो आपको कुछ चीज़ें सिखाएं। और इन सम केसेस अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन सपोर्ट, या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम टॉरस आपके आसपास दिख रहा है। एट द सेम टाइम हमें हायरोफेंट ये भी बताता है कि जो भी गाइडेंस हमें मिल रही है, जिससे भी हमें गाइडेंस मिल रही है, जितना आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ आसान होगी टॉरस। उसके बाद में यहाँ पे द हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन के पास में कौन सा कार्ड है? 4 ऑफ वांड्स है। ओके, लाइफ की कोई हैप्पीनेस है जो आपकी रुकी हुई है, और कोई लाइफ की आपकी विश है जो रुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ वांड्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहता है। अब 4 ऑफ वांड्स क्या है? कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ वांड्स आपकी खुद की वेडिंग हो सकती है, आपका आपकी खुद की सक्सेस हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सेलिब्रेशंस बताता है जो आप अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं। तो पर्सनल सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? एक्चुअली आपकी कोई वेडिंग हो सकती है, या फिर कोई आपका एग्ज़ाम का निकलना, कोई आपकी यू नो एग्ज़ाम का क्लियर होना, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना। तो ये चीज़ कोई आपकी हैप्पीनेस है या फिर विश है जो बहुत ही टाइम से रुकी हुई थी, और इस विश में एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, बिकॉज आप अपनी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, विजडम को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि सक्सेस है और सेलिब्रेशन है, तो देयर इज़ हाई चांस कि आप हायरोफेंट से निकलेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आप फंसे हुए हैं। हाँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके,
लाइफ में आप किसी अगर जगह पे फंसे हुए हैं और उस जगह से अगर आपको निकलना है तो विजडम को फॉलो करिए, जो विजडम या गाइडेंस आपको मिल रही है चाहे वो किसी भी माध्यम से मिल रही है। ओके सो यस, ये भी एक साइड नोट है। उसके बाद टेन ऑफ वांड्स है। टेन ऑफ वांड्स आपका बहुत ही अननेसेसरी स्ट्रेस बता रहा है। मैं अननेसेसरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लाइफ को एक बोझ की तरह ना लें, यू नो, लाइफ को एक बर्डन की तरह ना लें। टॉरस यहाँ पे लाइफ को ना थोड़ा सा ईजी लें, हर चीज़ का बोझ अपने सर पर लेके घूमने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ को थोड़ा सा ईजी लें, यू नो, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या स्ट्रेस में हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को ये रिमाइंड कराएं कि लाइफ में टफ सिचुएशन आती रहती है, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में ट्रॉमाज आते हैं, लाइफ में पेन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी जीना भूल जाएं और लाइफ में खुश रहना भूल जाएं। आई नो ये सिलेक्टेड लोगों के लिए मैसेज है, बट एक पॉइंट इन दो महीनों में एक पॉइंट ऐसा आते हुए दिख रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं अपनी लाइफ का, यू नो, बहुत ज़्यादा बोझ ले रहे हैं कि ओ माई गॉड ये भी करना है, ये भी करना है, इसका भी बोझ है, इसका भी बोझ है। इतना ज़्यादा बोझ आप लाइफ में लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो थोड़ा सा फ्री माइंड से आपको होना पड़ेगा। और एक तो ना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद करें, अगर आप ऐसा करते हैं तो, कि आप हर किसी की लाइफ को सुधारने की कोशिश करते हैं, आप हर किसी के काम करने की कोशिश करते हैं, आप हर किसी की जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली अगर आप पीपल प्लीजिंग करते हैं कि आप, यू नो, अपने से पहले दूसरों की नीड्स रखते हैं, तो थोड़ा सा अगले दो महीने में आपको माइंडफुल रहना है, बिकॉज आपकी लाइफ में ना स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा है और आपको देखना है कि आप स्ट्रेस कहाँ कहाँ ले रहे हैं और क्यों क्यों। इस कार्ड को मैं 2 घंटे तक एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हूँ। और मैं आपको इस प्रेडिक्शन को गाइडेंस की तरह क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं, यू नो, बहुत ज़्यादा बोझ अपने सर पर लेके घूम रहे हैं। थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आना, थोड़ा सा, यू नो, अपनी हॉबीज़ पर फोकस करना, थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा, यू नो, हैवी एनर्जीज में रही कि ओ माय गॉड ये भी हो, ये भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं हुआ लाइफ में, वो नहीं हुआ, टाइम निकलता जा रहा है, लेट हो रहा है, हम मैं पीछे रह गई हूँ लाइफ में, ऐसे सब नहीं करना है। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। टेन ऑफ वांड्स सबसे पहले हमें यही चीज सिखाता है कि वन स्टेप एट अ टाइम। पहले ये देखें कि आज क्या करना इम्पॉर्टेंट है, या फिर कौन से काम को पहले निपटाना ज़रूरी है, कौन सी टेंशन को पहले लेना इम्पॉर्टेंट है। एक साथ सारी टेंशन को लेने की कोशिश मत करिए अगर आप कर रहे हैं तो, बिकॉज़ यहाँ पे रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। चाहे वो रेस्ट आपको अपनी बॉडी को देनी हो या फिर अपने दिमाग को देना है, रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आपकी गाइडेंस के पार्ट पे आते हैं। गाइडेंस आई थिंक मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी डेक्स रखी है, बिकॉज मुझे गाइडेंस थोड़ा सा आपका थोड़े से ज़्यादा मैसेजेस निकालने हैं गाइडेंस के। और गाइडेंस का मैसेज ऐसे होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कार्ड से आप रिलेट करें, बट मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप अगर लाइफ की किसी भी परेशानी में हों या फिर किसी भी सिचुएशन में हों, आई जस्ट वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू इस पर्टिकुलर पार्ट से मिल सके। यू नो, कि अगर एक गाइडेंस आपको लगा कि ठीक है मेरी नहीं है, पर आपको दूसरी गाइडेंस समझ क्लिक की कि ओ ओके ये चीज़ मेरे लिए है, इसीलिए थोड़ा इस पार्ट को लॉन्ग करना चाहूँगी मैं। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, तो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पास्ट में बहुत सारा उथल पुथल हुआ होगा लाइफ में, और ये कार्ड बताते हैं कि हमें उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, तो कुछ चीज़ें लाइफ में हुई हैं, उस वो चीज़ें क्यों हुई, वो चीज़ें किसने की, वो चीज़ें नहीं होनी थी, इन सब चीज़ों में पढ़ के अब कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इन सब चीज़ों में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पे यूनिवर्स का लिटरली आपके लिए मैसेज है कि एक्सेप्ट करिए जो चीज़ें हुई हैं और आगे बढ़िए। जो चीज़ें हुई हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, वो सारे लेसन्स लर्न करिए अपने, और प्रॉमिस करिए कि अब वो आगे नहीं होगा। और यू नो, यहाँ पे एक्सेप्टेंस सिर्फ दूसरों ने जो किया है उसका नहीं, खुद ने जो किया है उसका भी ज़रूरी है, बिकॉज इस डेक में ये कार्ड हमें ब्यूटिफुली ये बताता है कि खुद की गलतियों को भी एक्सेप्ट करके उन गलतियों से आगे सीखना और आगे बढ़ना, यू नो,
तो हमें अगर आज ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर दिया, काश मैंने इस चीज़ पे समय नहीं लगाया होता, काश मैंने ये चीज़ पहले शुरू कर दी होती, काश मैं उस टाइम सीरियस हो गई होती, काश मैं उस टाइम पे इमोशनल फूल नहीं बनी होती, काश मैंने उस टाइम पे इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं किया होता। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको एक्सेप्टेंस दूसरों के लिए लानी है, ये एक्सेप्टेंस आपको खुद के लिए भी रखनी है कि अरे इट्स ओके, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी हमेशा परफेक्ट चीज़ें नहीं करता है। ट्रायल एंड एरर सबकी लाइफ में होते हैं, गलतियाँ सब कोई करते हैं। इट्स ओके कि मैंने ये चीज़ उस टाइम नहीं समझी, पर अब मुझे समझ में आ गया है, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं खुद को माफ़ कर रही हूँ, मैं बाकी लोगों की गलतियों को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं उन्हें माफ़ कर रही हूँ और मैं अब देख रही हूँ कि अब मैं अपनी लाइफ को कैसे सुधार सकती हूँ। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए, लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है आपको। अगेन, जो एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हमें इस कार्ड से समझ में आता है, जिस तरीके से नरेटर ने एक्सप्लेन किया है, वो ऐसे भी किया है कि लाइफ में कुछ भी रिग्रेट नहीं करना है। जो हुआ हो गया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, और अच्छे के लिए क्यों हुआ है वो आपको आगे जाके पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये कि अफसोस इस चीज़ का नहीं करना है कि वक्त निकल गया, अब मेरे पास वक्त नहीं है। आप किसी भी एज के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है किसी काम के लिए। तो एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो, इसने एक सीड प्लांट कर दिया है और इस सीड को ये पर्सन पानी दे रहा है, इसे नर्चर कर रहा है और ग्रो करवा रहा है। तो अभी अपना फोकस क्या होना चाहिए कि जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ अभी हमें करनी है, जो हमारे अभी गोल्स हैं, हम पास्ट से अपना ध्यान हटा के अपनी पूरी एनर्जी ग्रोथ की तरफ लेके आए अपनी, क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट ऑलरेडी, एक सीड ऑलरेडी आप प्लांट कर चुके हैं। ये कार्ड उन लोगों के लिए है कि ऑलरेडी आप कुछ नया कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऑलरेडी आप कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी आप किसी गोल पे काम कर रहे हैं। रैदर देन गोइंग टू पास्ट, आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि आप कैसे उस चीज़ को अब ग्रो कर सकते हैं, आज क्या आप सही स्टेप्स ले सकते हैं उस पे, आपको आपको अपनी ग्रोथ पे ओ माई गॉड फोकस करना है। यहाँ पे हीलिंग वाटर्स हैं, अपने आप को थोड़ा सा हील करिए और अपने आप को थोड़ा सा रिन्यू करिए। हीलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर से बताऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा। अगर कोई चीज़ जिसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट किया है, चाहे वो चीज़ आपके चाइल्डहुड से ही क्यों ना चली आ रही हो, चाहे वो चीज़ पिछले कुछ महीनों पुरानी ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड किया है टॉरस, तो दिस इज़ द टाइम कि उस चीज़ को अब लेट गो कर दें आप। और मुझे पता है कि लेट गो के मैसेजेस इतने आते हैं और हीलिंग के मैसेजेस इतने आते हैं कि आप में से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं सुन सुन के, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। क्योंकि लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज हमारी आती है वो हमारे अनहील्ड वर्जन की वजह से आती है, या फिर हमारे पास्ट को ना छोड़ पाने की वजह से आती है। तो ये मैसेजेस तो हमेशा रिपीट होते रहेंगे और मैं हमेशा आपको ये रिमाइंड कराऊंगी कि खुद को हील करें और लेट गो करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैसेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हील कैसे करना है खुद को, होनो पोनो पोनो प्रेयर या मेडिटेशन, आई नो इट साउंड्स वेरी फनी, बट ये एक हवायन मेडिटेशन या प्रेयर टाइप का है जो कि ऑनलाइन है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके इमोशनल ट्रॉमा को या फिजिकल ट्रॉमा को, दोनों चीज़ों को ये प्रेयर या मेडिटेशन हील कर सकता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर मैं नहीं दूंगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम वो आपने एक मेडिटेशन या प्रेयर बताई थी उसकी लिंक दे दो, ठीक है। तो उसे आप सुने, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस बोलें और ग्रैटिट्यूड बोलें, आप अपने आप हील हो जाएंगे। अगर आज भी कोई पास्ट की चीज़ आपको बॉदर करती है, इवन दो आपकी एनर्जीज देख के ये समझ में आ रहा है कि आप में से मोस्टली लोग अपनी हीलिंग जर्नी पे ऑलरेडी हैं, आप काफ़ी कुछ हील कर चुके हैं, आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेडिटेशन करिए, होनोपोनो यूज़ करिए, उसके बाद ग्रैटिट्यूड बोलिए,
ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बिकॉज़ यहाँ पे हीलिंग वाटर्स है, इसीलिए मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। उसके बाद में मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। मेडिटेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अपने लाइफ में पोटेंशियल और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करें। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों में ऑलरेडी कुछ टैलेंट है। तो यहाँ पे अगर आप उस टैलेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स का मैसेज है कि टॉरस अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करें, अपने यूनिक टैलेंट का यूज़ करें, अपने पोटेंशियल का यूज़ करें। ओके, उसे वेस्ट नहीं जाने देना है, उसका कुछ उपयोग करना है आपको, उसका कुछ यूज़ करना है आपको। ओके, व्हाट एल्स वी हैव, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, फाइंडिंग सेंचुरी। ये कार्ड बताता है कि जब दुनिया में कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता है, तो सुकून अपना डिवाइन या यूनिवर्स में ढूंढें। बिकॉज़ आप में से कुछ लोग थोड़ा सा अकेला फील कर रहे थे, और आई थिंक उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप एक अपनी दुनिया क्रिएट करें। और अकेलापन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको अकेले रहना है, या फिर अगर अभी सुकून नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको सुकून ही नहीं मिलेगा, ज़िंदगी भर आपको हर्मिट या स्पिरिचुअल बन के रहना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे फाइंडिंग सेंचुरी है कि जब तक आपको उस आउटसाइड वर्ल्ड में कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तब तक अपनी खुद की एक दुनिया क्रिएट करें, जहाँ पे आपकी आपके डिवाइन के साथ में कनेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे आप डिवाइन का सपोर्ट एक्सेप्ट करें, उनकी प्रेजेंस को फील करें। चाहे आप यूनिवर्स बोलते हो, गार्जियन एंजल्स में मानते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर डेटी में मानते हैं, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो जो भी डिवाइन एनर्जी है उसमें अपने आप को उसमें सेंचुरी आपकी ढूंढिए। उस एनर्जी के साथ में अपनी दुनिया को क्रिएट करिए, जहाँ पे आप हैं, डिवाइन हैं, आपके गार्जियन एंजल हैं, और आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने आप को सुधारने पे फोकस कर रहे हैं। तो यस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो रही है कि आप कई बार अकेला फील करते हैं, आप लॉस्ट फील करते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, आपको ये लग सकता है कि सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो वहाँ पर सपोर्ट आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में या यूनिवर्स में ढूंढना है, बिकॉज़ वो सपोर्ट हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, वो डोर कभी भी क्लोज नहीं होता है। ये सिर्फ फील करने की बात है कि आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप फील नहीं भी कर पा रहे हैं ना, आप साइन मांगिए यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आप मुझे साइन दो कि आपकी प्रेजेंस है और आपका प्रोटेक्शन है, या फिर आपका साथ है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, जब हम ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं, जब कम्युनिकेशन हम ओपन रखते हैं यूनिवर्स के साथ में। तो आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। जिस भी काम को आप टाल रहे हैं उसे टालना छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई ड्रीम हो आपका, या फिर कोई छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, अपने काम को टालना छोड़ दीजिए। अपने हेड में कम रहिए और अपने एक्शंस में ज़्यादा रहिए। सिर्फ सोचना 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 में कम रहना है हमें, करने 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 में अभी ज़्यादा रहना है, स्पेशली जो ये फेज़ आपकी लाइफ का चल रहा है टॉरस, उसमें। उसके बाद है ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, डेजर्ट पैसेज। ये कार्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी है टॉरस, बिकॉज ये ऐसी बातें बोलता है जो शायद हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि जो भी खराब परिस्थितियाँ आ रही हैं, वो परिस्थितियाँ आपको फाइनली आपकी पॉजिटिव डेस्टिनी तक लेके जा रही हैं। तो अभी सुनने में आपको मुश्किल लगेगा कि ओ मेरे साथ ये हुआ, ये तो नहीं होना था मेरे साथ, इसमें क्या अच्छा हुआ। ऐसा लगता है हमें, बिकॉज़ हम ह्यूमन हैं, हम डिवाइन की नज़रों से या वो डिवाइन के बड़े प्लान के हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं देख पाते हैं। कई बार हम अपनी छोटी छोटी नज़रों से और छोटे छोटे पर्सपेक्टिव से लाइफ की चीज़ों को देखते हैं। डेजर्ट पैसेज का मतलब ये है कि यस, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, हो सकता है कि आपको रास्ता अभी मुश्किल लग रहा हो सकता है उस रास्ते पे चलते चलते आपको लग रहा हो कि बहुत टाइम लग रहा है, मैं अपनी डेस्टिनी तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, इस चीज़ के लिए मैंने इतना वेट किया, इतना पेशेंस रखना पड़ रहा है, इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है, ये चीज़ तो हो ही नहीं रही है, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे
डिवाइन का मैसेज है कि ट्रस्ट करिए कि आपकी लाइफ डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही है और डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चल रही है. ओके, तो जस्ट रिलैक्स. आपको हमेशा इस डेजर्ट पैसेज में नहीं रहना पड़ेगा. यू नो, डेजर्ट पैसेज, वो रास्ता जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, हमेशा इस आपको सिचुएशन में नहीं रहना पड़ेगा. एक वक्त आएगा जब आप इस मुश्किल रास्ते को क्रॉस कर चुके होंगे और आप पॉजिटिविटी तक पहुंच चुके होंगे, या फिर अबंडेंस तक, या जो भी आपकी विश है उस तक पहुंच चुके होंगे. तो थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइन प्लान पे भरोसा रखना, ट्रस्ट करना, और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना, ये सारी बातें हैं. थोड़ी सी क्लीशे लग सकती हैं, बट अब क्या करें, डिवाइन यही मैसेजेस दे रहे हैं. रेनबो ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ. ओके, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं टॉरस. एंड यू नो, ये बातें सुनने में आपको कई लोगों को सुपरफिशियल लगती है, बट ये सुपरफिशियल नहीं है. डिवाइन प्रेजेंस और यूनिवर्स की प्रेजेंस और उस पॉजिटिव एनर्जी की प्रेजेंस आपकी लाइफ को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. जो चीज़ आपको सालों सालों से नहीं मिली है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है. वो सारी ब्लेसिंग्स, मिराकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं. ट्रस्ट मी, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो थोड़ा सा वो कनेक्शन, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उसे स्ट्रॉन्ग रखें. फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स. ओके, सो फार अवे प्लेसेस, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपकी रीडिंग के डिस्कस किया था कि आप कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हैं या फिर किसी ऐसे जोन में अपनी लाइफ के कदम रख रहे हैं जहाँ पे थोड़े से आप थोड़ी सी नई जगह है. यू नो, आप अपने होराइजन, आप अपने होराइजन से बाहर जा रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं. ये मैसेज बार बार मिल रहा है हमें. तो या तो आप अपनी पर्सनालिटी में इस तरीके के बदलाव कर रहे हैं कि जो चीज़ें, हैबिट्स आपकी कभी नहीं थी, जिस तरीके का कैरेक्टर आपका नहीं था, आप उस चीज़ में कदम रख रहे हैं कि मैंने कभी इतना हार्ड वर्क नहीं किया पर मैं अब ये कर रही हूँ. मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की बट अब मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ. कभी मैं अपने शहर से बाहर नहीं रही पर अभी मैं अपने शहर से बाहर जा रही हूँ. यू नो, कभी मैंने जॉब नहीं की पर अब मैं जॉब कर रही हूँ. या आप सबके लिए अलग अलग होगा, बट फॉर श्योर यहाँ पे यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली आपकी कम्फर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं. और फार अवे प्लेसेस, आप में से कुछ लोग एक्चुअली ट्रैवल कर सकते हैं और बहुत ही हाईली ऐसे ही जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे आप यू नो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं. आप दुनिया को एक्सप्लोर करें, आप खुद की कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे टॉरस. तो कुछ फन चीज़ें हैं जो लाइफ में हो रही हैं, एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं, आपको नर्वस करवाएंगी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट आपके बहुत अच्छे के लिए हो रही हैं. अब ये जो कार्ड है, ये जो डेक है हमारा, ये हमारा बहुत ज़्यादा हैप्पी डेक है और इसमें से बहुत ही हैप्पी हैप्पी से मैसेजेस आते हैं. सो इसकी बहुत ही हैप्पी वाइब्रेशन है. तो इसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ऑनर थाइसेल्फ. ओके, ऑनर थाइसेल्फ बताता है कि खुद को ऑनर करना और खुद को रिस्पेक्ट करना और खुद की अच्छाइयों को देखना और खुद की तारीफें करना और खुद का सेल्फ लव, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. खुद को रिस्पेक्ट दें, खुद को इज्जत दें और खुद को इज्जत दिलवाएं. यू नो, जब कोई और हमें आके कुछ बोलता है तो हमें कितना हर्ट होता है. यू नो, बट हम खुद दिन भर खुद से कितनी ज़्यादा नेगेटिव बातें करते रहते हैं. आप सोचो, हम खुद की लाइफ के बारे में हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, शायद मैं अपने लाइफ के इस एस्पेक्ट में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी. पर सोचो, वही चीज़ अगर कोई और आपको आके बोलेगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा, राइट? अगर मैं आपको बोलूंगी कि टॉरस, मुझे नहीं लगता आप कि आप इस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि यार इसने कैसे ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊंगी. बट वही चीज़ आप खुद से बोलते रहते हो कि यार पता नहीं एग्ज़ाम मुझसे निकलेगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं. तो जिस तरीके से आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि खुद को रिस्पेक्ट खुद से देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. खुद को रिस्पेक्ट, खुद को प्यार खुद से देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे आप लोगों को, जिन लोगों को प्यार करते हैं, जितना उनका ध्यान रखते हैं, जितनी उनकी केयर करते हैं, जितनी अच्छी बातें आप उनसे करते हैं, कोई फ्रेंड अगर आपको फ़ोन करेगा और किसी बात पे रोएगा तो आप उसे समझाएंगे क्या समझाएंगे आप उसे कि नहीं कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, दिस एंड दैट, यू नो. सॉरी आई एम फंबलिंग बीच बीच में. तो ऐसे ही आपको इज्जत, प्यार, नर्चरिंग खुद को भी देनी है. खुद से अच्छी बातें करें, आपके इनर डायलॉग्स पॉजिटिव होने चाहिए. यू नो,
अपने बारे में। उसके बाद इंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिकनेस, ये कार्ड ये बताता है कि आप यूनिक हैं टॉरस, और आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। कुछ चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप में जो आपको लोगों से अलग बनाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, और उन सारी चीज़ों का यूज़ करिए अपनी लाइफ में। जैसे आपके पास कोई अलग सा टैलेंट है, उस टैलेंट का यूज़ करिए। आई थिंक ये सेम कार्ड आपके लिए और भी कहीं आया है, आई डोंट नो, बट यस। तो अपनी उस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिकनेस का यूज़ करें, कहीं पे अपने करियर में यूज़ करें, अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करें। जो अलग सा कुछ आप में है, जो अलग सा आपका कुछ पोटेंशियल है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि शायद मेरा पोटेंशियल ये हो सकता है कि मैं अच्छी टैरो रीडिंग करती हूँ, या फिर यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक पहुँचा सकती हूँ, ये मेरा यूनिक पावर है। तो आपका यूनिक पावर क्या है, उस पर थोड़ा एम्फोसाइज करिए, और उसे इनकैश करिए, और उसे इंजॉय करिए। और उसके बाद कार्ड आया है टर्न ऑन योर लव लाइट। टर्न ऑन योर लव लाइट जब कार्ड आता है, तो हमें ये बताता है कि आपके अंदर जितना भी प्यार है, उस प्यार को लोगों में बांटें। अब ये यूनिवर्स का मैसेज है कि अपने प्यार को लोगों में बांटें, और लोगों में सिर्फ बांटना नहीं है, आपको नेचर में भी बांटना है, एनिमल्स में भी बांटना है। मतलब आपको अपनी लव लाइफ लाइट को थोड़ा सा ऑन करना है टॉरस, स्पेशली अगर पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे हमने ये सोचा है कि मैंने किसी पे भरोसा किया, पर उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया। मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करती हूँ, पर लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। तो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि डिफ्रेंशिएट करना सीखे कि किसे कितना और कब देना है, और किसे आपको आपके प्यार की ज़रूरत है, और किसे आपको प्यार किसको आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट अपनी लाइफ में करना है, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों के साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ख़राब हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों में प्यार बांटना छोड़ दें। तो एनिमल्स में प्यार बांटिए अपना, जहाँ पे भी स्ट्रेंजर्स में बांटिए, आई डोंट नो, अपनी लाइट, आपके अंदर जो लाइट है, डिवाइन लाइट है, या फिर जो लव है आपके अंदर, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, उसे पूरी दुनिया में बांटिए, जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ उस चीज़ की कमी है वहाँ पे। ओके, कई बार हम वैसे लोगों को प्यार देने लग जाते हैं जिन्हें हमारे प्यार की कद्र नहीं है, जिनको प्यार की कमी नहीं है, जिन्हें 50 लोगों से और प्यार मिल रहा है, तो हम वहाँ पे जाके अपना प्यार ओके, लेट इट बी। ये टॉपिक बहुत ही कई बार बहुत ही गलत डायरेक्शन में चला जाता है, मैं खुद कई बार लेके चली जाती हूँ, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। अपना हार्ट चक्रा ओपन रखें, दुनिया में प्यार बांटें अपना, और दुनिया में अपनी काइंडनेस और कंपैशनेट को बांटें। इट्स नॉट इफ यू एज इफ यू नीड एनी वन। ओ माई गॉड, मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब ऐसे सिंक में कार्ड आते हैं कि कोई चीज़ हमने डिस्कस की और वापस उससे रिलेटेड मैसेज आया है। तो इट्स नॉट एज इफ़ यू नीड एनी वन। अगर कोई सपोर्ट नहीं भी है, अगर अभी हम अकेले भी हैं, अगर अभी कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है अभी। आप ठीक हैं ऐसे भी अभी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास डिवाइन का सपोर्ट है। तो वो डिवाइन ब्लिस को, आपने कभी वो डिवाइन ब्लिस को फील किया है, जब लोग मंदिरों में जाते हैं, या फिर जब भजन चलते हैं? आपके रिलीजन में भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती होंगी, आई एम श्योर। बट वो जो डिवाइन ब्लिस आपको मिलता है, जब भजन चल रहे होते हैं, आप ऐसे कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन रहे होते हैं, जब आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होते हैं टॉरस, तो ये डिवाइन कनेक्शन होता है। और जब आप डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं ना, तो आप एक्चुअली अकेला नहीं फील कर सकते हैं। एंड आई नो उस फ्रीक्वेंसी या उस वाइब्रेशन को होल्ड करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर अभी कोई लाइफ में नहीं भी है, तो भी इट्स ओके, इट्स ओके। ये एक आपका फेज है, अभी यूनिवर्स का सपोर्ट लीजिए, उनका हाथ पकड़िए, और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं, अगेन आपके मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, राइट? अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रही हूँ, पर मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं, इट्स ओके, आप कर सकते हैं अकेले। ओके, यू डोंट नीड एनी वन, अगर आपके पास में डिवाइन प्रेजेंस है तो। और ये बस आपकी लाइफ का फेज है, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी अकेले गुजारनी है, ऐसा भी नहीं है। कोई आपको इतना भी महान बनने के लिए नहीं बोल रहा है
कि पूरी ज़िंदगी अकेले बिताइए। डोंट बी मिसलेड, गलत रास्ते पे ना जाएं, गलत रास्ते पे ना जाएं, गलत रास्ते पे ना जाएं। ओके, अब जैसे हमने गलत रास्ते पे ना जाएं मतलब क्या होता है, जैसे हमने लोनलीनेस के बारे में देखा था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं तो अकेलेपन से आप पॉजिटिविटी की तरफ भी जा सकते हैं या फिर नेगेटिविटी की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी से कुछ लड़ाई होती है तो भी आप या तो उस जोन में जा सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको इसका कर्मा मिलना चाहिए, यू नो, हम अपने मुँह से ही इतनी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें निकालने लगते हैं। और बीइंग ह्यूमन ये बहुत ही नेचुरल है, तो ऐसा नहीं है कि आप ख़राब इंसान हैं इसीलिए आप ऐसा करते हैं। हम सबका इमीडिएट रिएक्शन यही होता है, बट यहाँ पे बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया है टॉरस, बट मैसेज ये है कि प्लीज़ गलत रास्ते पे ना जाएं। ओके, कोई भी गलत रास्ता चूज़ नहीं करें। दैट यू हैव ऑप्शंस इज मीनिंगफुल, रॉक ऑन। ओके, तो ये कार्ड ये बोलता है कि लाइफ में आपके पास ऑप्शंस हैं, हर चीज़ में आपके पास ऑप्शंस हैं, तो अगर कोई एक चीज़ वर्कआउट नहीं की है पहले, तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपने लाइफ में कहीं पे भी फेलियर अगर देखा है तो आपके पास में काफ़ी सारे मीनिंगफुल ऑप्शंस रहेंगे। ऐसा भी नहीं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर एक चीज़ फेल हुई है तो आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और मीनिंगफुल ऑप्शंस मिलेंगे, सेटिस्फैक्ट्री ऑप्शंस मिलेंगे, जो ऑप्शन चूज़ करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कहीं भी आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं पास्ट में, तो इट्स ओके, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद है एवरी वन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। ओके, ये कार्ड भी बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा, बट ये कार्ड बहुत अच्छी बात बोलता है कि किसी को बहुत ही जल्दी जज नहीं करना, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। कोई इंसान बुरा इंसान है हमेशा ये सच मतलब नहीं, कोई इंसान बुरा इंसान है या फिर कोई इंसान अच्छा इंसान है, सिर्फ ये दो ऑप्शंस नहीं होते हैं। कई बार जो अच्छा इंसान होता है उसके भी ऐसे सरकमस्टांसेस आ जाते हैं कि वो बुरा कर देता है, यू नो। तो दिस कार्ड इज सेइंग कि आप शायद जिस पर्सन से बहुत ज़्यादा ग्रज लेके बैठे हुए हैं, या फिर ये कोई बड़ा ग्रज भी ज़रूरी नहीं है कि हुआ हो सकता है कि कल आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया हो और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर क्योंकि हमने इस रीडिंग का इंटेंशन फरवरी तक का रखा हो, तो हो सकता है कि आपका जनवरी या फरवरी में किसी फ्रेंड से झगड़ा हो जाए और आप एकदम ये सोचने लग जाएं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, एक ही तो अच्छा इंसान था मेरे साथ, उसने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, कई बार मतलब कि एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दें। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, अगर आपका किसी से झगड़ा होता है, तो उस इंसान को बेनिफिट ऑफ द डाउट दें, उसे ख़राब इंसान डिक्लेयर ना कर दें कई बार, बिकॉज ये कार्ड बता रहे हैं कि एवरी वन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, मतलब हर एक इंसान अपनी जगह पे सही है, या फिर हर एक इंसान अपने हालात से मजबूर है, या फिर अपनी बेवकूफ़ियों से मजबूर है, अपनी स्टूपिडिटी से मजबूर है। तो जैसे हम किसी इंसान को कैसे देखते हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ गलत किया, इस इंसान ने हमारा यूज़ किया, पर डिवाइन हम सबको बहुत ही बच्चों की तरह देखते हैं कि हम ना समझ बच्चे हैं, शायद फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं, और यू नो, सो इट्स लाइक कि किसी को भी बहुत जल्दी जज नहीं करना, एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना उन्हें ख़राब इंसान डिक्लेयर करने से पहले या फिर लड़ने से पहले। आई डोंट नो ये किसके लिए आया है, व्हाट वुड लव डू। ओके, तो चीज़ों को थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना है, चीज़ों को थोड़ा कंपैशन से हैंडल करना है, और मुझे ये दोनों कार्ड्स सेम ही सिचुएशन के लग रहे हैं समहाउ, मुझे नहीं पता कि ये सेम है या नहीं है, बट मुझे समहाउ ये सेम सिचुएशन के लग रहे हैं कि अगर आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा होता है, पेरेंट्स से झगड़ा होता है, सिबलिंग से झगड़ा होता है, आपको एकदम से किसी पे गुस्सा आने लगता है, तो गुस्से में आके कुछ रिएक्शंस मत कीजिएगा, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दीजिएगा। ओके, एंड एक लास्ट क्लोजिंग कार्ड मैं लेती हूँ, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज़ आपके कांस्टेंट फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्योंकि हम बोनस रीडिंग कर रहे हैं तो मुझे जानना ज़रूरी है कि आपको आगे रीडिंग्स चाहिए या नहीं चाहिए टॉरस। ओके, सो वी हैव की। ओके, की लाइफ में
जिस चीज़ में आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ में आप स्टक फील कर रहे हैं, उस चीज़ से निकलने का रास्ता आपके ही पास है। लाइफ में कहीं पे ब्लॉक हो गए हैं, कहीं पे ग्रोथ रुक गई है, लाइफ रुक गई है, लाइफ ठहर गई है, उस स्टकनेस से निकलने का रास्ता आपके पास ही है। कि चाबी आपके हाथों में है, आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथों में है। अब ये थोड़ा सा ऐसा थॉट है कि इसे आपको खुद से समझना पड़ेगा। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इस वीडियो को बंद करिए और सोचिए कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है, चाबी वाला, कि आपके हाथ में ही चाबी है आपकी लाइफ की। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग टॉरस। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।